नमस्कार मुझ स्मृतिलग्न आज जानवा राज्य में कोरोना स्टाटस कौन रही देश में कोरोना स्टाटस कौन रही जदि देशर कथा कह तो खुशी कथा आश्वस्तिर कथा शेष 66 दिन को जदि आम काउंट करवा आज संक्रमित संख्या सबुठ कम अच्छी ए संख्या आज लक्षे तले रही जहां अनेक दिन पर देखा मिली यह लोक आश्वस्त करोन स्थित नियंत्रण में आसुची द्वितीय लहर जहां पिक लेवल रे थिला वर्तमान ताहा नियंत्रण को आसी प्लाटो स्टेज रे रहिबा परे बा स्थिति सुदृढ़ रहिबा परे वर्तमान दुर्बल होबाकु लागिछि जहां निश्चित भाव में एक आश्वस्तिकर कथा राज्यर खबर कथा जदि कहबा राज्य रे संख्या आज 6000 तले रहिछि जहां लगातार भाव में 12000 ऊपर रहुथिला से संख्या आज 6000 तले रहिछि एवं 6000 तले रहिबा सहित मृत्यु संख्या किंतु चिंतार विषय मृत्यु संख्या से 40 ऊपर रही नियंत्रण आसिबार मध्य आवश्यकता रही तबे आज जहां सूचना रही नुआ मामला सामना को आसी 5896 खोर्धा जिले में आज भी सर्वाधिक आसी काली 450 नंबर रही आज खोर्धा जिले में 853 पॉजिटिव चिन्हट होती मृत्यु संख्या खोर्धा जिले में 6 रही जाजपुर 413 पॉजिटिव चिन्हट मृत्यु संख्या 2 रही अनुगुल 385 पॉजिटिव चिन्हट होती मृत्यु संख्या 1 रही से भी भाव में बालेश्वर 373 एवं मृत्यु संख्या 1 रही भद्रक पॉजिटिव संख्या 370 मृत्यु संख्या 1 रही तो आज भी सर्वाधिक खोर्धार ही चिन्हट होती पॉजिटिव संख्या व मृतकों संख्या अधिक रही खोर्धार जहां 6 को छुई किंतु मोटामोटी भाव में कह राज्य स्थिति सुधुरी मृत्यु संख्यार कहीं ब्रेक लगुना यह अनेक आलोचनार आवश्यकता रही खोर्धा जाजपुर अनुगुल अनेक चित्र आप देखी एवं न्यू पॉजिटिव केस जहां आज सामना को आसी 5896 नुआ संक्रमित चिन्हट होती आसवा इंडिया रिपोर्ट को इंडिया 86000 आज नंबर रही 86000 नंबर रही भितर सबुठ भल कथा लक्षे तले कोरोना संक्रमित नंबर रही कोरोना संक्रमित चिन्हट होती लगातार भाव में देश में जदि देखा टिके स्थित सुधार आसवे लगी कि राज्य में मृत्यु संख्यार कहीं ब्रेक लगुना ए प्रश्न समस्त मनरे वर्तमान ए बाबद आलोचना करवा डॉक्टर सिद्धार्थ दास आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर दास स्वागत करुँ अर्गस न्यूज को समस्त से गोटे प्रश्न जे देश में स्थित वर्तमान सुधार आसूरी नंबर वर्तमान आम जब देखा लक्षे तले रही जहाँ 66 दिन में शेष 66 दिन में सर्वाधिक किंतु राज्य में स्थित सुधार आसिले मृत्यु संख्या कहीं से सामान रोच 40 ऊपर रोच कहीं कम आसुना आज्ञा जहाँ मुझे पचारे चाहूँ कहीं मृत्यु संख्या रे राज्य रे सुधार आसुना संक्रमित संख्या तो कमी प्रथम कथा है जो संक्रमण मात्रा कमी निश्चय गोटे भल खबर समस्त किंतु मृत्यु नहीं कि जो मृत्यु नहीं जो द्वंद्व मृत्यु को जाऊँ प्रथम जो मृत्यु गुड़ाक ठीक भाव में आकलन करना तेणु कोविड रे मृत्यु घटले कोविड बोली जना पड़ ना से अन्य मृत्यु अधिक था कोविड द्वारा मृत्यु संख्या कम था बोलिका अनुमान वर्तमान मध्य कोविड रे मृत्यु को ठीक भाव चिन्हट कर एक नंबर दुई नंबर हूँ जो गोड़े डाक्तरखाना खोल फल जो कोविड रोगी मैंने हस्पिटाल आसी पार ना हस्पिटाल एडमिशन नहीं पार ना एवं सेमानकर मृत्यु घटुला जोटा कि आम जापार ना तो बर्तमान इनस्टिट्यूशनलाइज हस्पिटलाइजेशन हाँपर जो मैंने मरुँचर जमापड़े से कोविड जनित इनफेक्शन संक्रमण द्वारा मृत्युवरण कर दुईट कारण गोटे प्रथम आम जापार ना कहीं मरुँच हस्पिटाल आसी जेहेतु टेस्ट नेगेटिव होता से कोविड बोली जमापड़ ना कि कोविड्र डायग्नोसीस जितेबाद फुसफुस भितर को एवं रोग संक्रमित कर सारी था कोविड भूताणु एवं रक्त संप्रसारित हो सारी थाए से जो नाजस नाजाल स्मियर आम नौचे नाजोफारिंजेल्स ओराल स्मियर से पॉजिटिव नहीं पारे शतकड़ा 70-80 भाग पॉजिटिव हम 30-35 भाग नेगेटिव हम तेणु से ही रोगी मानक हुए तो धरा जाऊन कोविड बोली किंतु जो मानकर फुसफुस संक्रमित होती सीटी स्कैन करागला देखागला सीटी स्कैन में फुसफुस भितर वायरल निमोनिया होती जना से गोटे डायग्नोसीस गोटे मात गोटे ये मार्कर तो जना पड़ा कोविड रे मृत्यु घटे मृत्यु संख्या जो 20-21 18
40 छुईला और बर्तमान 45 छुईला तार कारण हूँ जे इनट्यूशनाल डेथ बढ़ी जाइए जहाँफल कोविड रो डायग्नोसिस ठीक हो पार जो मैंने मृत्युवरण कर द्वितीय कथा हूँ टेस्ट नेगेटिव हेल्ले अन्य लक्षण रही कोविड रो तेणु कोविड डेथ बोले ग्रहण कर निश्चित भाव में डॉक्टर दास आम जी देखा गत काली जो सूचना आसी डीजीएसएस तरफ कोरोना संक्रमण पर औषध नियम परिवर्तन करा ता सहित प्लाज्मा थेरापी कथा कहतु स्टीम नवा कथा कहतु मल्टीविटामिन्स नवा कथा कहतु अनावश्यक स्थल में ए चिकित्सा पर मना कर दि जा प्लाज्मा थेरापी सब द्वंद्वर था प्रथम पृथ्वी में कई प्लाज्मा थेरापी को ग्रहण करनथिले कोविड चिकित्सा पई भारत वर्षरे प्रथम आईसीएमआर एवं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से देते प्लाज्मा थेरापी देवाई का पर आठटी सेन्टर में भारत वर्षरे आईसीएमआर गोटे स्टडी करते बहुत रोगी को लेकर जो मानक प्लाज्मा थेरापी दि जाए जो मानक दि जाए ना देखा जो कौन से पार्थक्य ना आ द्वितीय कथा हूँ जो प्लाज्माटा आम दौचे से प्लाज्माटा गोटे साधारण तरल पदार्थ नुहे गोटे सालाइन भाया नुहे कि गोटे डेक्सट्रोज भाया नुहे ताकतर अनेक एंटीबॉडी रही अनेक प्रकार प्रोटीन रही जोटा कि आम जहाँ नौचे सी रोग रोगाक्रांत थर हो सारी प्लाज्मा आम नौचे नहीं रोगी की दौचे से अन्न जो तेहर जो द्रवण सब रही कौन प्रकट सृष्टि कर शरीर भितर ता जाना संभव नुहे जो यहाँ गोटे एथिकल एक्सेप्टेबल चिकित्सा बोली धरा गला नहीं किंतु पूर्व साधारण भाव रे कोआ जाउथला जदि आपण सुस्थ अछंती तेबे आपण तथापि स्टीम नियंतु घरे दिन को दुई थरा स्टीम नियंतु जोति पई गोटे कोरोना प्रिवेंशन हिसाब रे ताको ग्रहण करा जाउथला वर्तमान कोआ जाउची मल्टीविटामिन जिंक कथा कोंतु क्लोरोक्विन टेबलेट कथा कोंतु एभले कि स्टीम आपण जदि आपण को परामर्श दिया जाय नहीं तेबे नेबा नहीं तो ए गाइडलाइन को आमे किमिति देखिबा ना गाइडलाइन कथा हूँ ये भूताणु पृथ्वी पे नुआ अनुभूति नुआ विज्ञान यदि विश्लेषण करवा विशेष किसी वैज्ञानिक तथ्य आम पाखे ना तेणुकर यहाँ गोटे हिट एंड ट्रायल भाया प्रथम अनेक जिनस कहगला कि परवर्त काल देखाला देखो ये जो जिंक कथ को आसवा देखाला जो म्यूकोरमाइकोसिस जाइगोमाइकोसिस हो ब्लाक फंगस ब्लाक कवक आम कहे सी जो फंगस जो छतु जातीय जीव सीए जिंक व्यवहार करके बहुत जोर बढ़ी जाए तेणुक जो रोगी मानी से ब्लाक फंगस है जो सर्करा रक्त जिंक मात्रा बहुत बेसी रही तेनाली ग्रहणजोग्य है तापर मल्टीविटामिन मल्टीविटामिनटा अत्यधिक हवा उचित नुह शरीर में कि जी विटामिन दरकार ता निश्चय हवा दरकार जदि आम साधारण खाइबा पोषण आम पाइचे विटामिन जथेष तेल एक्सट्रा विटामिन हुए दरकार ना कि जो मैं कंप्रोमाइज जो मान क्रॉनिक डिजीज रही डायबिटीज हो हाइपरटेंशन हो हार्ट डिजीज हो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो से माने किसी मात्रा मल्टीविटामिन खाइबा उचित यहाँ सब काले थिला यार कोविड संगे कौन संपर्क नहीं देहर प्रतिषेधक शक्ति बढ़ेबारे साहय करे तेणु जिंक एवं जोड़ा कहले आपड़ा स्टीम बांफ नवाटा कथा हो प्रथम कहगला जे बांफ नवा द्वारा जो जाने जे आमर श्वासक्रियार टे उन्नति घटव रक्त संचालन बढ़ो आम श्वासक्रिया भितर को भल लगे रोगी को साहय कर किंतु वर्तमान सेमती किसी पॉजिटिव फाइंडिंग ना कि जो गुड़िक निर्दिष्ट प्रमाण आम पाऊना वैज्ञानिक पुराण ताकि व्यवहार नकवा नकपाईका से बारंबार बदलाव तेणु यहीटा बदली चलो कहीं जेहेतु यहाँ ये रोगटा पृथ्वी में नुआ आम समस्त जापरने के कौन हो तेणु जेपर्यंत या भितर जथेष ज्ञान आहरण नई गोटे डेफिनाइट आम गाइडलाइन या सारा पृथ्वीपाई देशपाई
ସେତେବେଳେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓକେ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡେଫିନେଟ୍ ଡିସିଜନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଗବେଷଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚାଲିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାହା ପ୍ରଥମ ଲହରଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା କୁହାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଠାରୁ ଭୟାବହତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଥିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି କରିବା କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଲକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ କି ନାହିଁ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସବୁ ଆମେ ନେବା କଥା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମହାମନ୍ତ୍ର ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଫିଜିକାଲି ଏବଂ ହାତ ଧୋଇବା ସାନିଟେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହୁଏତ ଆଉ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟୀକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଦେଖାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରି ଧରନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଯେଉଁଠି ଟୀକା ନିଆ ସରିଛି ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଟୀକାର ସେଥି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକ୍ରମଣଟା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା WHO କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ଯେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ହାର 5%ରୁ କମ୍ ରୁହେ ଶତକଡ଼ା 5%ରୁ କମ୍ ରୁହେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ତାଠୁ ତା 5%ରୁ କମ୍ ଲଗାତାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ କାଳ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଭାରତ ସରକାର ମିଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 70% ଲୋକ ସେଠିକାର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଟୀକା ତାହେଲେ ଆମର ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5%ରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ହେବ ଏବଂ କମି ଯିବ ଏବଂ 70% ଲୋକ ନେଇସାରିବେ ଟୀକା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶର 70% ଲୋକ ଟୀକା ନେଇସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସମୟ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଜାଣିବା କରୋନା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ କରୋନା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଏ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲାବରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡୋଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ 33,64,476 ଜଣ ଦେଶରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡୋଜ୍ କଥା କହିବି 23,61,98,726 ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସରିଛି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗତକାଲିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେତେ ଏବଂ ମୋଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେତେ ନେକ୍ସଟ ଡାଟା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଏବେ ଆସିବା ଟେଷ୍ଟିଂର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଟୋଟାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇଛି 36,82,7,596 ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ June 7 ମାନେ ଗତକାଲି ଏତିକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି 18,73,485 ଇଏ ରହିଲା ଟୋଟାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଏ ରହିଲା ଗତକାଲିର ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ଡାଟା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଭାରତରେ ଯଦି କହିବି ଟୋଟାଲ୍ କେସ୍ର କଥା 2,99,96,473 ଇଏ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କହିବି ତ 33,03,702 କେସ୍ ରହୁଛି ଆଜି ସବୁଠୁ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ସବୁକୁ ମିଶାଇ 86,498 ଆଜିର କେସ୍ ରହିଛି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ କେସ୍ କଥା କହିବି 2,73,41,462 ଏବଂ ଆଜି ମାନେ ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଜଣ ଡେଥ୍ କଥା ଯଦି କହିବି ଶେଷ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି 2,123 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 3,51,309 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ କରୋନାରେ ଯାଇସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ କେତେ ରହିଛି ଡେଥ୍ କେସ୍ କେତେ ରହିଛି ପୁଣି ଥରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ
सबुठ बड़ आशंका जदि तृतीय लहर पिलामानंको अधिक संक्रमित करे पिलामानंको क्षेत्र रे सेमानंको भितरे रोग प्रतिरोधक शक्ति कथा कहतु बा सेमानंको आइसोलेशन रे रखिबा प्रत्येक जिनस मानसिक भाव रे आहुरी अधिक प्रभावित करिबो एहाको किभरि लढा जाय पारिबो प्रथम कथा होची जो सान पिला मानंक ठैं कोविडर संक्रमण एपर्यंत बहुत कम जहाँ देखा जाइछि एवं पिलांक ठारु पिलांक संक्रमण हेउनाय जहाँ संक्रमण होची बड़ मानंक ठारु पिलांक संक्रमण होची एक नंबर दुई नंबर पिला मानंक भितरे देखा जाउथवा कोविडर मात्रा बहुत कम जो माने मध्य पॉजिटिव होउचन्ति से माने अति सीरियस भाबर तंग देह खराब होनै ई तीनोटी हला बड़ जिंस चतुर्थ जिंस म कहिया को चाहे जे सान पिलाटी गोटे बड़ मनीषर छोट क्षुद्र ये नुहे मानते परिमापक नुहे सान पा जो आम कहे पिलाकर जो शरीर डेवलपमेंट हुए गठन हुए तार विभिन्न प्रकार गठन हुए गोटे शारीरिक सोमाटिक आम देखिले पिलाटा बढ़ुची तार हाड़ बढ़ुची डेगा होटा है सोमाटिक ग्रोथ आउ गोटे मानसिक कॉग्निटिव ग्रोथ आउ गोटे एंडोक्रीन ग्रोथ पिलाटी बड़ है पुओ बा झील तार विभिन्न प्रकार ऋतुस्राव है ये एंडोक्रीन ग्रोथ आउ गोटे हूँ लिम्फोइड ग्रोथ लिम्फोइड ग्रोथ तो हूँ कौन जन्म हाला बेले निजे ठे जेको जो आम वर्ट्रिब्रेट आनिमल अच्छा जो मान मेरुदंड जीव माछ सहित गोटे थाए इनेट इम्यूनिटी जो जो इम्यूनिटा निज भितर थाए बाहर गोटे किसी जीवाणु पशिले से इम्यूनिटी द्वारा ताको प्रतिहत करती आसला एडाप्टिव इम्यूनिटी एडाप्टिव इम्यूनिटी निजे एडाप्ट आस्ते आस्ते देहरे बढ़े सो यो एडाप्टिव इम्यूनिटी जिनसटा पिला आस्ते आस्ते मैच्योर करे जन्मला छुआ एत आडाप्टिव न था आस्ते आस्ते बड़ जिते बढ़े से मैंने बयस अनुसार आडाप्टिव होकर प्रायत से 14-15 वर्ष बड़क यहाँ मैच्योर करे और लिम्फाटिक ग्रोथ आस्ते आस्ते कमी जाए तेणुक सान पाठ जो देखा जा बड़ मान भर बहुत पार्थक्य अच्छे एथपाई सान पाठ टीकाटा को ठीक भाव में परीक्षा नक पृथ्वी में कौटि दि जाऊनि बर्तमान युक्तराष्ट्र आमेरिकार दिखाई है 12 वर्ष ऊर्ध 12 वर्ष तले पिलांत पृथ्वी में कौटी टीका दि जाए ना कहीं गोटे जे आम कहली आडाप्टिव इम्यूनिटा एत स्ट्रंग न था और द्वितीय कथा हूँ एपर्यंत सान पाठा एत बेस संक्रमण देखा जाए ना जदि बड़ मैंने घर को संक्रमण न आणवे जदि बापा माँ ज्ञाति कुटुंब जो मैंने एकाठी रोचे संक्रमण को न आणवे पिला संक्रमण हमारे संभावना बहुत कम द्वितीय कथा है कौन सरकार बर्तमान स्कूल फुल सब बंद कर सान पा शिक्षा बंद अच्छी अवश्य मानव दृष्टिकोण केते दिन बंद हम से तो अलग मैंने कह बड़ मान दायित्व आहुरी अधिक बढ़ला कारण पिलांकठु पिलांको संक्रमित होना बड़ों पिलांको संक्रमित होणु किभली भाव में निजे सजग रहा सुरक्षित रहा सहित परिवार को सुरक्षित रखा ये हूँ बड़ मान दायित्व बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ दास सहित आम आलोचना करूँ आम डेली रिपोर्टर गगन विश्वाल बर्तमान समय फोन लाइन में जोड़ी होती गगन आम जदि कोरोना ग्राफ को देखा द्वितीय लहर बर्तमान डाउनवर्ड्स कहुपर एवं 66 दिन में आज रेकर्ड होइछि जे लक्ष्य तले रही संक्रमित संख्या जहाँ अनेक मात्रा रे आश्वस्त करिछि तबे अनलॉक रो प्रक्रिया किभली देखती आपण दिल्ली कथा कहतु बा ओडिशा रे मध्य जून 17 रे अनलॉक रो प्रक्रिया आरंभ होइजिबो राज्य सरकार मानक कहीं लगातार भाव समस्त प्रयास करें द्वितीय लहर रु त्राही पाइबा प्रथम लहर जो ग्राफ थिला ता तलू को खसवा यह ही समस्त प्रायोरिटी थिला एवं आम बर्तमान जी स्टैटिस्टिक्स देखा बर्तमान कोरोना ग्राफ देखा चित्र बर्तमान सामना को आसी प्रथम लहर जो ग्राफ थिला ता तलू को खसी आसी 6000 केसेस आसी और सब राज्य किसी राज्य तथ्य रखा चाहे महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु ये पांच छह राज्य को छाड़देले बाकी सब राज्य जी एक्टिव केसेस संख्या देखिए 50,000 कम रही उत्तर प्रदेश में आम कहीपर 19,000 समथिंग केसेस रही भाव दिल्ली जातीय राजधानी जोटी की 30,000 प्रतिदिन केसेस आसला मसे पूर्व से मात्र एक्टिव संख्या 6,000 समथिंग रही आम कहीपर प्रतिदिन 500 कम केसेस आती से बर्तमान लॉकडाउन को कोहल करनलक प्रक्रिया कराई जीवन जात्रा बर्तमान धीरे धीरे स्वाभाविक होती
କେତୋଟି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିମ୍ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଟିଚିଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ କିଛିକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଅଡ୍ ଇଭିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଆଉ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେବଳ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ତମାମ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନେକ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସବଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିପଦରେ ପକାଯାଇ ନପାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଆଧାରରେ ହିଁ ଅନ୍ଲକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରଖିବା ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍‌କୁ। ନମସ୍କାର।